गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आजादी से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो आजाद भारत के विकास के लिए सपना संजोया, आजादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण हाशिए पर है। ऐसे में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के उन बातों को याद करना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली से चला हुआ विकास का एक रुपया गांव के पंचायत पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाए। ऐसे में देश का विकास कैसे हो पाए? इसीलिए प्रसिद्ध शेरकार ने कहा कि देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहां सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो। आज़ाद भारत के लिए बापू का यही सपना था, लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी बापू के सपनों का भारत आज भी उन सपनों से दूर है। इसी बीच हमारी यात्रा पहुँचे है समस्तीपुर। समस्तीपुर के बारिश नगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज रामपुर बिशुन में हमारी बात हो रही है विकास कुमार भगत जी से। विकास कुमार के बारे में अगर बात करें तो विकास जी का जिस तरह नाम विकास है, उसी तरह से ये सामाजिक विकास में पिछले 9 सालों से कार्यरत हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में इन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसरों से जोड़ा है, बहुत सारे लोगों को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है, बहुत लोगों को शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों में दाखिला भी कराया है। इनका कहना है कि बापू जो कहते थे कि एजुकेशन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड ऑफ सोसाइटी, इसी बात को ये आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, जनसेवा के उद्देश्य से राजनीति में आए। हम जानते हैं विकास जी से, विकास जी के सपने अपने पंचायत को लेकर, अपने जनता को लेकर। सबसे पहले विकास जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। आप हमें ये बताइए कि जब आप 9 साल से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में थे, तो अचानक राजनीति में आकर चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? ऐसा क्या लगा कि अब हमें राजनीति में आकर ही अपने लोगों का विकास करना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है? आप क्या सोच कर राजनीति में आ रहे हैं? किससे आपको प्रेरणा मिली राजनीति में आने का, या वो कौन सी घटना है जो आपको झकझोर कर रख दिया और आप राजनीति में आए चुनाव लड़ने के? सर, हमने काफ़ी देखा है सर कि काफ़ी हमने देखा है कि हमारे पंचायत में, राजारामपुर पंचायत में काफ़ी ऐसे हमारे मतदातागण हैं जिनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो वृद्धा पेंशन हो, या वो इंदिराबाद हो, या वो रास्ता का हो, या वो पानी का हो, ठीक है, काफ़ी परेशानी का झूलना पड़ा। इसी कारण रास्ता को सबसे ज़्यादा झूलना पड़ा, रास्ता के कारण ही वो उन्होंने काफ़ी उनका तकलीफ हमसे सहा नहीं किया। हमने सोचा कि नई पद पर ही आकर बेहतर हम करेंगे, इसलिए चुनाव लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जो प्लानिंग कमीशन के उस रिपोर्ट के आधार पर बनी थी, जिसमें ये कहा गया था कि ग्रामीण भारत की 80% आबादी आज भी स्वच्छ जल नहीं पी रहे हैं। ऐसे में उन गरीबों के लिए जल नल और 7 निश्चय योजनाएं, जो माननीय मुख्यमंत्री ने 2016 में विकास के को आधार बनाते हुए बिहार के सपनों का प्रोजेक्ट कहकर जिसे लागू किया, एक कार्यकाल बीत जाने के बाद भी आज 7 निश्चय जैसी योजना धरातल पर नहीं आ पाई। ऐसे में आप चुनाव जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की के 7 निश्चय को कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या सपने हैं? कैसे जल नली योजना, गली नली योजना उन जरूरतमंद तक पहुँचेगी जिनके लिए ये योजना बना था? जो बीत गई तो बीत गई, अब जो हम आएंगे, जो अगर हम जीत कर जो आते हैं, तो इससे बेहतर कर दिखाएंगे 7 निश्चय योजना का, जो बेहतर ही बेहतर, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, ये किसी के शिकवा गिला नहीं रहेगा। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मनरेगा और नरेगा जैसी योजनाएं उन ग्रामीण युवा और महिलाओं के लिए बनी थी जो बेरोजगारी की शिकार हैं और कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से पलायन कर रहे हैं। उनको पलायन रोकने की वजह से यह योजना बनाई गई थी, लेकिन आज भी पलायन रोकने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। ट्रैक्टरों से काम करवाए जा रहे हैं, जेसीबी से काम कराए जा रहे हैं, जॉब कार्ड उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, जैसे कई पंचायतों में देखा जा रहा है। आपके यहाँ क्या स्थिति है और आप इसे अपने नेतृत्व में कैसे उन जरूरतमंदों को रोजगार दिलाएंगे जिनके लिए यह योजना वाकई में बनी है? पहले तो सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर, धन्यवाद। ये जो हमारे जो रामपुर मिशन पंचायत में हर एक 3 महीना पे एक बार आम सभा लगना चाहिए, वो आम सभा लगता ही नहीं है।
अगर हम जीत कर आते हैं तो आम सभा हर एक महीना पर लगाएंगे, और जितने भी मनरेगा के तहत लेबर हमारे मजदूर भाई बहन जितने भी लोग हैं, भाई है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको चिन्हित कर रोजगार देने का काम करेंगे। आधी आबादी महिलाओं की है। बापू कहा करते थे कि गांव का विकास महिलाओं के विकास के बिना संभव नहीं है। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बहुत कम है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के विकास के बिना महिलाओं का विकास नहीं हो सकता। ऐसे में आप कैसे उन्हें बैंकों से जोड़ेंगे, कैसे मुद्रा योजना का लाभ उन्हें मिलेगा, कैसे ऋण शिविर लगवाएंगे, क्या योजना है उन महिलाओं को रोजगार दिलवाने के लिए? बहुत सर, योजना तो काफ़ी सारा है, और हम जब जीत कर आएंगे तो अपना दरवाजे पे शिविर लगा कर हर एक जगह हर एक वार्ड में शिविर लगवा कर चिन्हित कर बैंकों के द्वारा ऋण शिविर लगवाएंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बैंकों के द्वारा लगवा कर हर एक व्यक्ति को चिन्हित कर लोन दिलवाने का काम, उसको रोजगार दिलवाने का, लोग लगवाने का काम करेंगे जो इस काम को करना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे में उन युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर कैसे करेंगे? क्या जिस तरह से महिलाओं के लिए आप योजना है, उसी तरीके से उन युवाओं को भी रोजगार के अवसरों को देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं हमारे डिप्रेशन में रहते हैं, यानी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है जी। इसके कारण लोग शराब पीते हैं, इसके कारण लोग टेंशनाइज रहते हैं। अगर उसको आर्थिक स्थिति अगर मजबूत हो जाए तो दारू शराब पीना छोड़ देते हैं, लोग नहीं पिएगा। इसके लिए हम मनरेगा के तहत, यानी जो योजना है, इसके तहत रोजगार देने का काम करेंगे। आज भ्रष्टाचार इस देश की अहम समस्या बन गई है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश में सरकारी कार्यक्रम जो हैं वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही हैं। ऐसे में आपके आने के बाद उन भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे, कैसे आम सभा रेगुलर लगाएंगे, कैसे आम सभा के द्वारा योजना बनाएंगे जिससे भ्रष्टाचार कम किया जा सके? हम बिल्कुल इस पर ही काम करेंगे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में योजना चली थी ये शौचालय वाला, ठीक ना, इसका कहीं से भी कोई रेगुलर सही नहीं है, क्योंकि 40% लोगों को भी शौचालय नहीं मिल पाया, 60% का तो पैसा ही लोग गमन कर दिए। इस भ्रष्टाचार को जब हम आएंगे तो तहत जड़ से ख़त्म करेंगे इसको आम सभा के द्वारा। जी 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 बिल्कुल, आम सभा लगाकर एक एक वार्ड में, जिस तरह हम चुनाव लड़ने के लिए और वोट मांगने के लिए एक एक वार्ड एक एक घर जाते हैं, इसी तरह एक एक वार्ड में जाकर आम सभा लगवाएंगे। सरकारी नियम के अनुसार अभी 3 महीने पे आम सभा लगाने की बाध्यता है, आप अपने नेतृत्व में कितने दिनों पे आम सभा लगाएंगे? 1 महीना पर लगाएंगे सर, 1 महीना पर लगाएंगे, और सारी योजना उसी आम सभा के द्वारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हमें ये बताइए विकास जी कि वो कौन से सपने हैं, वो कौन सा काम है जो आपके आने के बाद आप प्राथमिकता के आधार पर उन काम को करेंगे, और आपसे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव का ध्यान उस ओर नहीं गया, और आज भी जनता के लिए वह काम बहुत ही ज़रूरी है, वो 5 काम कौन कौन से हैं? पहला काम तो सर मेरा रोजगार ही है, लेकिन मैं आऊँगा तो रोजगार पर काम करूँगा, उसके बाद मैं शिक्षा पर काम करूँगा, उसके बाद तीसरा स्वास्थ्य पे काम करूंगा, चौथा पंचायत राज बिहार सरकार भवन बनाने का काम करूंगा। युवाओं के लिए खेल का मैदान है? जी जी बिल्कुल, हमारे किशनपुर में है, बिटिया किशनपुर में है, और उसको 4 दिवाली कराने का काम करूंगा। और पुस्तकालय है आपके पंचायत? जी नहीं नहीं, वो भी मैं आऊंगा तो खोलने का प्रयास करूंगा, और काफ़ी अगर सेलिंग की अगर ज़मीन मिली तो ठीक है, अगर बिहार सरकार का सेलिंग की ज़मीन नहीं मिलती है तो निजी ज़मीन पैसा खरीद कर मैं पुस्तकालय ज़रूर खोलूँगा। और स्किल डेवलपमेंट का सेंटर है आपके पंचायत में, जहां युवाओं को शैक्षणिक रूप से तकनीकी शिक्षा मुहैया कराने की जो सरकार नहीं, की योजना है? बिल्कुल नहीं, कहीं पे नहीं है। इस दिशा में भी काम करेंगे? जी जी बिल्कुल करेंगे, ऐसे सारे बहुत कुछ है जो हमारे युवा के लिए नहीं है, ठीक ना, हम आकर बिल्कुल करेंगे सारी चीज़ करेंगे। विकास जी कहते हैं कि उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो देश को बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है, यूं ना जागे अगर तुम तो खतरे में तुम्हारा लोकतंत्र होगा और आने वाला कल तुम्हारा निर्बल होगा। उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो देश को बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर।